हेलो फ्रेंड्स, वेल हाय देयर। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन के जरिए हम हमारे कैनन कैमरा iOS 80D को हमारे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आप एप्लीकेशन को एक बार कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन दोबारा से उसको रिकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आज का वीडियो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेनू बटन प्रेस करना है और वहाँ पे हमें वायरलेस कम्युनिकेशन सेटिंग्स को ढूंढना है। वायरलेस कम्युनिकेशन सेटिंग्स के मिलने पर हमें उसमें क्लियर सेटिंग्स को ढूंढना है और क्लियर सेटिंग्स पे जाके हमें सेटिंग्स को क्लियर कर देना है। उसके बाद अब हम डिवाइस को रिकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिवाइस को रिकनेक्ट करने के लिए हमें कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों के रिस्पेक्ट की गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। अब हमें वाईफाई NFC पे जाना है और वहाँ पे हमें वाईफाई को अनेबल करना है। उसके बाद हमें अपने कैमरे को नेम देना होगा। आप अपना मनचाहा नेम भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने iOS 80D दिया हुआ है। उसके बाद हमें वाईफाई फंक्शन में जाना है। वहाँ पे हमें कनेक्ट टू स्मार्टफोन ऑप्शन को चूज़ करना है और वहाँ पे हम इजी कनेक्शन मेथड को चूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक SSID और इंक्रिप्शन की जनरेट हुई है, जिसे हम ऐप कनेक्ट करने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ करेंगे। अब हमें डिवाइस की सेटिंग स्क्रीन में जाना है। वहाँ पर हमें वाईफाई सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर हमें जो SSID कैमरा में जनरेट हुई है उसे ढूंढना है। उसके बाद जो इनक्रिप्शन की कैमरा में जनरेट हुई है उसे हमें यहाँ पे एज अ पासवर्ड इंसर्ट करना है और मैं उसको कर लेता हूँ। बस थोड़ी सी देर लगेगी और ये हो गया और ये जॉइन। और जॉइन करने के बाद थोड़ी देर में ही, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब हम कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप कैनन कैमरा कनेक्ट एप्लीकेशन ओपन करते हो वहाँ पे आपको अपने कैमरा का नेम डिस्प्ले होगा। सिंपली उस पर क्लिक करना है और परमिशन एक्सेप्ट करनी है। सेम चीज़ हमें कैमरा में भी करनी है, यानी कैमरा में भी हमारे डिवाइस का नेम डिस्प्ले होगा। सिंपली ओके पे क्लिक करके वहाँ भी हमें परमिशन एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है इमेजेस ऑन कैमरा और दूसरा है रिमोट लाइव शूटिंग। इमेजेस ऑन कैमरा यानी कि जो फोटोज़ और वीडियोज़ आपने कैमरा में कैप्चर और शूट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं एक रैंडम फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये कार का फ़ोटो। आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं, इन्फो बटन पे आप उसकी इन्फो जान सकते हैं और यहाँ पे से आप उसको रेटिंग दे सकते हैं। पिंच करके आप उसे जूम कर सकते हैं और उसकी कलर टोन, शार्पनेस, रिजोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। अब हम रिमोट लाइव व्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिमोट लाइव व्यू फंक्शन पे सिंपली हमें क्लिक करना है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक डमी टॉय कार है जिसका हम फोटो क्लिक करेंगे। आप यहाँ नीचे से नॉर्मल फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि ड्राइव मोड, ऑटो फोकस वगैरह। यहाँ से वीडियो मोड चेंज कर सकते हो और यहाँ से वीडियो मोड के भी नॉर्मल सेटिंग्स ऑपरेट कर सकते हो। हम सिंपली कार पे यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसे फोकस करेंगे और उसके बाद जो सेंटर में वाइट बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ़ोटो क्लिक हो चुका है। यहाँ से आप फोटो को देख सकते हो और उसे पिंच करके उसे जूम कर सकते हो, उसकी कलर टोन, शार्पनेस, रिजोल्यूशन वगैरह देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।